नमस्कार संघ, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए नीति बनाने के संबंध में। एक आदेश लिखा गया, भेजा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, कैबिनेट मंत्री जी को, इस 14/12/2022 को लिखा और भेजा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, मैं विस्तार से बता रहा हूँ। वीडियो बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। ये संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ जिला सागर, ठीक है, सत्येंद्र कुमार तिवारी है, संतोष गुप्ता है, इनने ये पत्र लिखा है, भेजा गया। प्रति जो भेजी है श्रीमान भूपेंद्र सिंह, मंत्री महोदय जी, नगरीय एवं प्रशासन कैबिनेट मंत्री है, जिला सागर के, इनके लिए पत्र लिखा गया, भेजा गया है अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करने के संबंध में। इसे बोला विषय, अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर इनका भविष्य सुरक्षित करने बाबत। संदर्भ, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों में अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए। महोदय, माननीय महोदय जी, मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में लगातार 50,000 अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवा दे रहे हैं। उनको कभी भी सेवा से पृथक कर दिया जाता। हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और सरकार की तरह 14 वर्षों शिकारी कर रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर इनको नियमित किया जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि शीघ्र ही अन्य राज्यों की तरह नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करने की कृपया करें एवं नियमित नियमितीकरण होने तक कार्यरत अतिथि शिक्षकों का पद रिक्त न मानते हुए स्थानांतरण, अति शेष पदोन्नति या अन्य किसी कारणों से हटाया न जाए। और आपने सभी वर्गों का भला किया है, हमें आशा है कि हमारे साथ भी आप अच्छा करोगे और हमारा भी भला करोगे। अतिथि शिक्षकों के साथ शीघ्र ही न्याय करें। भावदीप हैं अतिथि शिक्षक संघ सागर, ये सभी के हस्ताक्षर दे रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाए, नहीं तो अन्य राज्यों की तरह इनका भी भविष्य सुरक्षित किया जाए। मांग की है सरकार से। अतिथि शिक्षकों ने 14/12/2022 को पत्र लिखा है, भेजा गया, ठीक है, धन्यवाद।